वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये है किचन और आज जो स्पेशल डिश बन रही है लाहौरी फिश फ्राई। जियो लाहौरी, हमारा पाकिस्तान में सारे शहर हमारे अपने और अच्छा लगता है कि हम डिफरेंट शहरों के खाने भी यहाँ पर गुड मॉर्निंग विद सभी में प्रेजेंट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर ग्लैम गैस स्पेशल स्पॉन्सर्ड बाय दिस किचन। और इनके स्टोव ज़बरदस्त हैं और इनकी तमाम होम अप्लाइंसेस दी बेस्ट हैं। आप इनको यूज़ कीजिए और सर्दियाँ आ रही हैं तो ऑफ़ कोर्स लोग गीज़र और किचन में माइक्रोवेव ओवन ऑफ़ कोर्स क्विकली काम चाहिए। तो थैंक्स फॉर ग्लैम गैस। लेट्स सी हम लोग आज डिश की जानी चलते हैं और कौन है हमारे दरमियान। बहुत ही सीनियर शेफ़ है और होम बेस पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, लोग इनसे ऑर्डर्स भी करवाते हैं। तो शेफ़ मायरा हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है आज जी, लाहौरी चलें फिर। लाहौरी फिश फ्राई बन रही है। ओके, जिसके लिए मैंने जो है पापलेट फिश ले लिए 3 पीस में। ठीक है, पापलेट फिश। ठीक है, ठीक है। साथ ही में इसके अंदर जो है हम ले रहे हैं ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून जाएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और बताती जाओ ना। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और सिरका। ओके, सबसे पहले हमने करना ये है कि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दफा बता दो एक बार। ठीक है, उसके बाद। ठीक है, अच्छा, उसके साथ हमने करना ये है कि ये मैदा जाएगा। मैदा 2 हिस्सों में जो मैंने निकाला है वो अभी आपको मैं बताऊंगी कि मैंने करना क्या है। साथ ही में इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, जो इसके मेन मसाले हैं, उसके अंदर जीरा 1 टेबल स्पून। ठीक है, ठीक है। अजवाइन 1 टी स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ जाएगी, 1 टेबल स्पून भुना कुटा हुआ जीरा, ये सौंफ और जीरे को और जो धनिया है साबुत उसको आपने भून लेना है, रोस्ट करना है। फिर अच्छी जी, उसके साथ आपने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची लेनी है और 1 टी स्पून आपने लेमन पाउडर लेना है। ओके, एक बार फिर मैं चाहूंगी इन इंग्रेडिएंट्स को एक बार फिर बता दो। यस, बताओ इधर ही रखो। जीरा है 1 टेबल स्पून, गुड। अजवाइन है 1 टी स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टी स्पून आपका लेमन पाउडर है, जो ड्राई लेमन होता है उसका पाउडर मिल जाता है। जबरदस्त। अच्छा, इन सबको हम क्या करेंगे फिर? इन सबको आपने मिक्स करके ग्राइंड कर लेना और इस तरीके से ये पेस्ट बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा बेसिकली, जो इसके ऊपर भी जाएगा और उसमें भी जाएगा। रियली बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये होता है नेचुरली इंग्रेडिएंट्स का एक रिजल्ट। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये सबसे पहले इसमें जाएगा, नमक और सिरके के साथ इसको मैरिनेट। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। चलिए जी, सबसे पहले हमने अदरक का पेस्ट इस पे मेंशन किया, मतलब इसमें डाला, उस पे हस्बे जायका नमक, बहुत थोड़ा सा नमक लगा। ठीक, गुड हो गया जी। सिरका, हाँ सिरका लगेगा क्योंकि सिरके से मैरिनेशन बहुत अच्छी आएगी। ओए, 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 सिरका ओए, नहीं हो तो आप लेमन जूस यूज करना। घर में रखा करें, व्हाइट सिरका बहुत अच्छा होता है जी। ये देखिए, इन्होंने इसके अंदर इसको बाउल में ऐड कर ली थी, कोई छोटा सा बाउल ले नहीं, नहीं इससे भी हो जाएगा, उससे हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए थोड़ा सा आपने मैरिनेट। हाँ बिल्कुल, अब हाथों की तो बात ही कुछ और है मायरा, जब तक हाथ से जो शेफ हो, प्रोफेशनली जो शेफ हो उसको तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता जब तक वो अपने फिंगर्स को हाथों का इस्तेमाल ना करे। यस, ये हो गया। अब आप मुझे टिश्यू दे दें। यस, ये हो गया हमारे पास। ओके, डन हो गया जी। अब आपने करना क्या है कि नेक्स्ट आपने ये वाला जो मैदा है वो उठाना है। हाँ, जो आप कह रही थी कि इसका मैं सरप्राइज जी, इस मैदे के अंदर ये जो मसाला है बेसिकली ये डालेंगे हम। ओके, ये 3 टेबल स्पून के करीब जो है ना भर भर के आपने मसाला डालना है। हाँ, और इसमें नमक जो है मसाले में, ठीक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के इसको बॉटल में, ऐसे इसमें डाल के अब जरूरत नहीं, और फिश का अपना भी एक थोड़ा सा नमक का टेस्ट होता है। हाँ, ना फिश का अपना नमक का टेस्ट होता है, लेकिन जब मैदा कोट होता है तो उसमें नमक नहीं होगा ना, आपको फीकी फीकी फील होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा नमक जाएगा, बहुत थोड़ा सा जाएगा, मैंने इसमें मिलाया हुआ है, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। और इसको आप स्टोर करके फ्रिज में रखें, जब चाहे इसको निकालें, जब भी फिश फ्राई करें इसके ऊपर भी डाल के आप खा सकते हैं इस मसाले को, तो आप हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। गुड, अब ये कर लिया। इसके बाद हमने सादा वाला मैदा सबसे पहले उठाना है। ठीक है, आपने एक फिश का पीस उठाया, ठीक है, इसको कोट किया सादे मैदे में ताकि इसके जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। हाँ, इसके अंदर वो हो जाए, एब्जॉर्ब। फिर आपने बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर इसको डिप किया, डिप करके आपने निकाला एंड देन अब आप इसके अंदर कोट करेंगे जो आपने ये मसाले वाला ड्राई बनाया हुआ है। वाओ, ये है एक्चुअली इसकी टेक्निक जिसमें क्रिस्पीनेस जो बाहर आपको मिलता है ना, वो इसी वजह से आता है। अच्छा, मैदे से भी हो गया और मसाला भी, मसाले से भी होगा। दूसरी चीज, ये ठंडे पानी की वजह से एक अच्छी कोटिंग आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये डालते हैं और स्लो हीट के ऊपर आप इसको डाल दें। बिल्कुल जी, पहले थोड़ा सा गर्म कर दिया था ऑयल, फिर उसके सेकंड फिश को भी सेम वही प्रोसीजर से पहले मैदा लगाएंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है
एब्जॉर्ब हो जाए घर में. यू मस्ट बी ट्राई. मौसम जरा सा चेंज हो गया तो अब जरूर घर में ट्राई कीजिए कि जबरदस्त किस्म की टिप किया. वाओ. और फिश तो वैसे इतनी फायदेमंद होती है यार, हमें खाना तो बहुत फायदेमंद है हमें. वैसे मुझे तो ज्यादा फिश, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिश जो है ना गर्मी में नहीं खा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. फजूल बात, फजूल बात है. आप खा सकते हैं, आपका जब दिल करे खाए. शोरबे वाली चावल के साथ बिरयानी भी बनती है. खासतौर पे अगर आपको नजला वगैरह हो रहा है तो इसका शोरबे वाला सालन बेस्ट है. ओए होए होए, आपका जो फ्लू वगैरह है ना उसको खत्म कर देगा. और अंदर असल में गजाइयत पहुंचाता है ना ये बेहतरीन. आप अच्छा नेक्स्ट हम ये चाहेंगे कि जिस तरह की फिश, इसके अलावा इस तरह की ये जो मसाले की जो मुझे बहुत अट्रैक्शन लग रही है, आप होममेड बनाती भी है ना, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ. तो हम और कौन सी ऐसी चीज, हम चिकन को भी ऐसे बना सकते हैं? चिकन को भी आप बना सकते हैं इसी मसाले के अंदर, सेम इसी तरीके से. इसको डाल दें फिर ताकि हम सेम इसी तरीके से आपने चिकन को ऐसे ही इसमें सिर्फ चिकन को कोट करके आप कर सकते हैं. ठीक ठीक, बहुत मजे की. मतलब अगर जो फिश नहीं खाता वो खाने लग जाएगा. नहीं, फिश तो खाने लोग लग खाते ही हैं, लेकिन अगर कोई नहीं, कहीं इतनी रश होती है फिश के ऊपर, लोग मतलब जैसे सीजन अभी चेंज होगा देखिएगा कितना लोग जो है वहाँ पर रश लग जाता है. और अच्छा है, मैं कहती हूँ अच्छा, रौनकें लगी हुई है हमारे मुल्क में, हमारे शहर में. ये लीजिए, हमारे मुल्क में शहर में जो इस तरह की रौनकें लगती रहें तो अच्छा लगता है. जी ये देख लें जी, वो डायरेक्ट फ्राई हो रही है. कितनी देर इसको बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे करना है? नहीं नहीं नहीं, अभी मैं तेज करूंगी. डालते हुए आप थोड़ी स्लो रखिएगा कि आप पे छींटे नहीं आए. हाँ ये ठीक ठीक, देखे ये बहुत जरूरी. अच्छा मैंने कहा इसको चिकन में भी हम बना सकते हैं, विंग्स बना सकते हैं? जी जी ओके, विंग्स में भी बना सकते हैं. आप चिकन में बना लें इसको, फिश में बना लें, आप बोनलेस चिकन के साथ बना लें. लग रहा है मुझे वो जो हम लोग खाते हैं ना जिंगर वगैरह, उनका उसी तरीके से, उसी तरीके का होगा. एक टेक्निक लग रही है, उसी की एक टेक्निक होगी. उसमें ये होता है कि चिकन को जरा सा मलना पड़ता है शायद ना, ऐसे ही? जी जी, उसको थोड़ा सा आप चिकन को डाल के ना इस तरीके से मलते हैं, मलते हैं तो फिर तो वो उसका जो क्रिस्पी क्रंच आता है ना, इसका जरूरत नहीं क्रंच की, इसमें हमें जरूरत. अच्छा एक और स्पून से ले लो इसको टर्न करने में ऐसे करके, अगर आपको चेंज करना है तो देख लीजिएगा. और देखिए ये बिल्कुल टूट नहीं रही है. जब आप डालेंगे ना फौरन डालते हैं, इसको हिलाना नहीं है क्योंकि टूटना शुरू हो जाएगी. बहुत नाजुक होती है, इसको पकने में बहुत कम टाइम लगता है. ठीक है, अगर आपने फिश को या प्रॉन्स को ओवर कुक कर दिया तो वो हार्डनेस की तरफ चले जाते हैं. अच्छा हाँ ये है, ये एक मिनट से ज्यादा प्रॉन को कुक करें वो रबड़ की तरह हो जाएगा, उसे चबाया भी नहीं जाता. अच्छा उसका अक्सर पुलाव जब बनता है तो फिर उसको कैसे पकाना चाहिए? पुलाव के लिए मैं यूजुअली ये करती हूँ, उसको हल्का सा डन किया फिर आप निकाल लें. अच्छा फिर आप सारे चावल और जब एंड में हो जाए तो एंड में डाल के उसको सिर्फ हल्का सा मिक्स करके आप सिर्फ दम पे लगा दें. अच्छा दम में फिर डालने पड़ते हैं, दम में डाल दें? हाँ दम में, मतलब आप डाल दें लेकिन आप आधा कुक कर लें प्रॉन को ताकि वो शुरू में ठीक ठीक ठीक, ताकि उसकी हीक वगैरह और कुछ अगर बड़े बहुत होते हैं जैसे पकते हैं बेचारे छोटे छोटे हो जाते हैं. ओके आप ज़रा इसको ज़रा देखिएगा, जब दूसरे स्पून से ज़रा कहीं आपके ऊपर ऑयल की छींटे ना आए तो उसको ज़रा सब पकड़ के तरीके से, ठीक है? इसलिए हम बता रहे होते हैं आप लोग घर में भी कोई ऐसी ट्राई मत कीजिएगा कि आप लोग बट ट्राई हो जाएं फिर आप लोग. जी देखें ये ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स इसके बड़े ज़बरदस्त हैं और हमारी जो है फिश जो है वो मज़ेदार सी अभी रेडी हो जाएगी. अच्छा आप अपने ज़रा बताएं फेसबुक आईडी वगैरह बताएं लोग आपसे. फेसबुक जो है मेरा मायरास किचन के नाम से, ब्लैक डीपी लगी हुई है, स्पून और फोक बना हुआ है इस डीपी में क्रॉस के निशान के साथ, मायरास किचन लिखा हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. दूसरा आप अगर मुझे यूट्यूब पे भी देखना चाह रहे हैं सेम मायरास किचन के नाम से आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं. टिकटॉक पे देखना चाह रहे हैं तो आप टिकटॉक पे भी. हर तरह की डिश. अच्छा जैसे ऑर्डर किस तरह के ज़्यादा आते हैं मायरास? ज़्यादा तो सीजनल वाइज ऑर्डर आते हैं. अच्छा यानी कि अभी जैसे वो हो गया है कि बारिश हो रही है तो लोग फिश भी पसंद करते हैं, पकोड़े पसंद करते हैं. ओ तेरी खैर. तो वो जो होता है ना चिकन के पकोड़े मांग रहे होते हैं लोग, चिकन के बोनलेस चिकन के साथ एक बहुत ही ड्राई मसाला उसमें डाल के. किसी दिन आप फिश कबाब बनाएंगे? अभी नहीं, थोड़ा फिश कबाब भी बहुत जबरदस्त लगते हैं सर्दियों में खास तौर पे. बना के भी रख सकता है बंदा? नहीं फिश कबाब ही होता है, उसमें थोड़ा सा आलू यूज होता है, तो आप फ्रीजर में रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि आलू जो होता है ना पानी पीने तो वो टूटना शुरू हो जाता है. तो इसलिए आप कोशिश करो फिश वगैरह जो होती है ना उसको फ्रेश लाके फ्रेश खा के खत्म करें. अच्छा लोग चिकन के कबाब भी बना के रख लेते हैं ताकि वो फिर? नहीं चिकन के रह जाते हैं, ठीक है बीफ के भी? हाँ बीफ के भी रह जाते हैं, सिर्फ फिश के अंदर ये होता है कि थोड़ा सा ना ज्यादा अरसा फिश ना आप रखो ना तो वो टेस्ट मजा खराब हो जाता है. फ्रेश को आप जितना फ्रेश खाओगे उतना ही अच्छा फायदेमंद भी होगी और गजाइयत भी. इसका अपना ऑयल बड़ा फायदेमंद होता है, लोग अक्सर फिश ऑयल भी यूज करते हैं. इस पे स्पून से कीजिएगा
यस ये देखें आप कलर देखें जबरदस्त कलर भी ब्राउन आ गया ना जबरदस्त ये कलर यही कलर हमें चाहिए और मैंने बहुत डूबते हुए तेल में तला भी नहीं है मैं वही देख रही हूँ हल्का सा हल्का सा शैलो फ्राई करना है बहुत डूबते हुए तेल में कर सकते हैं लेकिन जिस तरह की आजकल मैं समझती हूँ बीमारियां चल रही है ना कोशिश करें कि आप ऑयल को और ऑयल महंगा भी हो गया ये भी जो है डिश बिल्कुल रेडी और क्या क्या इसकी और इसमें बस लेमन जाएगा ओके ठीक है जी हम इसको डिस्प्ले लेमन को ऊपर से रखूंगी मैं ठीक है जी और ये फिश बस हमारी बस थोड़ा सा और है अच्छा मैं मुझे एक बहुत अच्छे चाहिए और एक तो भैंस के पाए होते हैं जो बहुत चिप चिप कर रहे होते हैं ऐसे है ना जब कहते हैं ना कहते हैं जब आप, के पाए जब यूं लगे तो फिर कहें ये मजे के पाए बन छोटे के पाए मजे के नहीं होते चिप चिप नहीं करते वो भैंस बस वो बॉईल करके ले आना फिर उसके अंदर बता देना क्या बॉईल करके ले आएंगे हम और उसका असल है मीन मसाला आप पैकेट का मसाला ना यूज करें मैं नहीं करती मैं मतलब अपने मसाले वो तो आपका है ना किस नाम से मायरस किचन के नाम से मसाला तो अवेलेबल का है वो मसाले ये मुझे ना कि लोग आपसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लें मुझसे तो मैं घर पे उनको डिलीवर कर दूंगी नहीं तो आप इस शो के थ्रू भी अगर नहीं मैं आपका नंबर कल से प्ले करवाती हूँ आप फिर हाँ जिसको भी चाहिए होगा तो वो इजी कर लेते हैं ना इसको क्या कहते हैं हम डिस्प्ले भी यहाँ पे कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल यहाँ पे बता देते हैं ना कि मायरा ये किचन ये मसाले हाँ, ये वाले मसाले तो बहुत इजीएस्ट हो जाएगा पाए बने फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि अब हम लोग पाए की तरफ चलते हैं जरा हैवी चीजों पे भी हल्के फुल्के खाने आपको बहुत तो मौसम चल रहा है ना उसमें पाए और नान हाँ बस अब लाइट बंद कर दो जाने जी जी तो फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और हल्का से इसको पलटते हैं और ये सही फिश का कलर है अब चले अब डिस्प्ले कर देते हैं अब इसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं मैं इसको निकालूंगी बिल्कुल बिस्मिल्लाह करके हम निकाल देते हैं ये इसी कलर में ऊपर रख देंगे यस ये जरा सा छान लेते हैं इसको ये जरा होल वाला जो स्पून होता है इससे क्या होता है ऑयल भी निकल जाता है चले जी हम इसको इसमें रख लेते हैं यकीन करें ना ब्रेक हुई और बिल्कुल क्रंची सी लग रही है बिल्कुल बहुत मजे की लग रही है मैं गर्म गर्म चख नहीं सकती अच्छा इसके साथ चटनी केचप भी लगा सकते हैं सावर क्रीम के साथ भी इसको खा सकते हैं अच्छा लेकिन असल जो मैं समझती हूँ ना कि इस तरह की फिश को ऊपर से बस मसाला डाल के आप सिर्फ दही के साथ वो आपका मैं तो करी आपका ये मसाला थोड़ा क्यों छिड़क दूँ हाँ ये छिड़कना है अभी जबरदस्त लगेगा ना ये इसके ऊपर जाएगा अब आप खुद अपने हिसाब से गार्निशिंग कर ले हल्की डालिए नहीं ऊपर से इस तरीके से ये मसाला जाए वो डाल इसका हाँ इसका फ्लेवर ही इसी साथ है अच्छा रियली ऊपर से जब तक मसाला नहीं हो ना मजा ही नहीं आता फिश के अंदर मतलब फिश इज देसी जो एक टच फिश को हमने देना है। हमने ये खूबसूरती सजा ली है और अब और हम इसको हमारी जो है डिश रेडी हो चुकी है क्या बात है और ये मेरी बहन ने बड़ा प्यारा है इसको लगा दिया है नहीं नहीं लगा तो कोई नहीं हम जितना ये लगाएंगे बहुत हसीन लगेगी ये एक हसीन रुत है और हसीन मौसम है ये देखें जी ये डिश इज रेडी आय हाय हाय ऑसम थैंक यू सो मच मायरा ये है लाहौरी फिश फ्राई अभी जो लोग बेचारे इतनी अर्जेंट लाहौर नहीं जा सकते देन ज्वाइन मायराज किचन होम रेमेडी आप जाएं उसमें हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी में भी इनका पूरा क्लिप मौजूद होगा और अगर नहीं है तो ये वाला क्लिप फिर इनके पास जाएगा तो ये डालेंगे अपने मायराज किचन यूट्यूब चैनल पे और इस प्रोग्राम को जिन्होंने मिस कर दिया वो रात को 12 बजे भी देख सकते हैं यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद